सबों को जश्न, दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जश्न, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार लूकस अध्याय 11 पद संख्या 5 से 13 तक से लिया गया है। प्रभु का वचन कहता है, ध्यान से सुनिए। प्रभु कहते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। प्रश्न यह उठता है कि हम में से अधिकांश लोगों का अनुभव यह है कि हमारी अधिकांश प्रार्थनाओं की सुनवाई नहीं होती। कितने सालों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ निवेदनों के लिए, कुछ रिक्वेस्ट लेकर हम प्रभु के पास आते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी की जाती है। ईश्वर सुनता नहीं या हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुँचती नहीं। इसके पीछे कुछ कारण है, गंभीर कारण है, और वो विशेष 5 गंभीर कारण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु के इन वचनों के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहला कारण है, हमारे इरादे गलत होते हैं। अधिकांश समय हमारे इरादे गलत होते हैं। मुझे याद है, एक बार मैं एक महिला से मिला तो वो महिला कहने लगी, मेरी पड़ोसन ने मुझे ज़िंदगी भर परेशान किया, मेरे पड़ोसन ने मुझे ज़िंदगी भर परेशान किया और मैं उसे माफ़ नहीं कर पा रही। आज उसकी बेटी की शादी होने वाली है और मेरी यही प्रार्थना है कि उसकी बेटी की शादी टूट जाए, वो जो दुल्हा आने वाला है वो कभी न आए। मेरे मित्रों, गलत इरादा। आप अपनी प्रार्थना करते समय खुद के अंदर झांक कर देखें कि क्या आपकी प्रार्थना आपके स्वार्थता से उत्पन्न हो रही है या किसी के घृणा से उत्पन्न हो रही है। यदि ऐसा है तो आपकी प्रार्थना कभी ईश्वर तक पहुंच नहीं पाएगी। मेरे मित्रों, ध्यान से सुनिए। याकूब का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 3, प्रभु क्या कहता है, आप मांगते भी हो तो इसीलिए नहीं पाते कि आप अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं करते। और फिर प्रभु कहता है, आप अपनी वासना की तृप्ति के लिए धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। आप अपनी वासना की तृप्ति के लिए धन प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। एक लड़का प्रार्थना कर रहा था और कहने लगा, प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं संसार की सबसे महंगी कार में कार को खरीद सकूं, कार को अपने लिए खरीद सकूं। क्या आपका क्या कहना है, क्या प्रभु उसकी प्रार्थना स्वीकार करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये स्वार्थपूर्ण प्रार्थना है और प्रभु ऐसी प्रार्थनाओं को पर कभी ध्यान नहीं देता। दूसरी विशेष बात, आप ध्यान से सुनिए। कभी कभी हम लोग अपने अधर्मी जीवन में जीवन का आचरण करते हुए प्रार्थना करते हैं। हम इस तरह अधर्मी बन जाते हैं कि हमें अपने पाप का बोध भी नहीं हो पाता। हमारे जहन में कुछ ऐसे ऐसे पाप दफन किए जाते हैं जो जिन पर हमने कभी माफ़ी नहीं मांगी, जिन पर हमने कभी पछतावा भी नहीं किया, जिन पर हमने कभी पाप स्वीकार भी नहीं किया, और हम इतना तक नहीं जानते कि ये कोई पाप भी हो सकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसी परिस्थिति में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना कभी ईश्वर तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि प्रभु का वचन, ध्यान से सुनिए, प्रभु का वचन कहता है, इसाईस नबी अध्याय 59 पद संख्या 2, प्रभु कहते हैं, तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया है, तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया है। और फिर प्रभु कहते हैं, तुम्हारे पापों ने तुमको ईश्वर से विमुख कर दिया है, इसीलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता। ईश्वर तुम्हारी क्यों नहीं सुनता? क्योंकि तुम अपने अधर्म में डूब गए हो। तुम्हारे पाप ने तुम्हें ईश्वर से दूर कर दिया है। तीसरी विशेष बात है, हमारा घमंड। अधिकांश समय हम अपने गुणों पर गर्व करते हैं, अपनी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं, और हमें ऐसा विश्वास होने लगता है कि सब कुछ हमने ही किया है, सब कुछ हमने ही किया है, और किसी का हाथ नहीं, यहाँ तक कि ईश्वर का भी हाथ नहीं। और ऐसी परिस्थिति में हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना ईश्वर तक पहुँच नहीं पाती, क्योंकि हम खुद पर भरोसा करते हैं।
प्रार्थना की ईश्वर पर, ध्यान दे प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु का वचन याकूब अध्याय 4 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है बल्कि परंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है, विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। और इसलिए मेरे मित्र, जब भी आप प्रभु के पास आए, खुद को विनीत बनाएं, विनम्र बनाएं, अपने उपलब्धियों पर, अपने गुणों पर गर्व न करें, आपकी प्रार्थना तुरंत ईश्वर तक पहुंचेगी। पांचवी बात, पांचवा कारण, हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारी प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंच रही है या हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई नहीं हो रही है, उसके विषय में मैं बताना चाहता हूँ। पांचवें कारण में, क्योंकि हम ईश्वर का समय नहीं जानते, हम खुद का समय जानते हैं, हम खुद की जरूरतें जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि ईश्वर क्या चाहता है। मेरे मित्रों, यदि मैं चाहूँ कि मेरी यह प्रार्थना बिल्कुल अभी सुनी जाए, मुझे क्योंकि मुझे इस चीज की जरूरत है और मुझे यह अभी ही चाहिए, परंतु यह सही बात नहीं, क्योंकि मात्र ईश्वर ही जानता है कि मेरी प्रार्थना कब सुनी जानी चाहिए, मेरी प्रार्थना के द्वारा जो चीज मुझे मिलने वाली है वो आज नहीं बल्कि 2 साल बाद मुझे मिलनी चाहिए। यह भली भांति ईश्वर जानता है, लेकिन हम नहीं जानते। और इसलिए ईश्वर के वचन को सुनिए, ईश्वर का जो समय होता है ना, बिल्कुल अलग होता है, ईश्वर की योजनाएं अलग होती है। इसीलिए आप सुंदर वचन को सुनिए, यरमयाह अध्याय 29 पद संख्या 11 से 12 प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ, तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ, यह तुम्हारे हित के लिए है, अहित के लिए नहीं है, तुम्हारे आशा में भविष्य की योजनाएं हैं। यह प्रभु कहते हैं, तुम्हारे भविष्य की आशा में योजनाएं हैं यह। और इसीलिए मेरे मित्रों, प्यारे भाइयों बहनों, जब भी आप प्रार्थना करें और जब भी आपको एहसास हो कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, इसका अर्थ यह है कि ईश्वर समय ले रहा है, वो अपने समय के अनुसार कार्य करता है, वो अपने भक्तों को उसी समय देता है जब वो जानता है कि किसको कौन सा समय उसके लिए उपयुक्त है। ध्यान दीजिए। और अंत में प्रभु के इस अंतिम वचन को सुनकर इस पर मनन चिंतन कीजिए, क्योंकि प्रभु आज आपसे कुछ कहना चाहता है। प्रभु कहता है, याकूब का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 2 प्रभु कहते हैं, आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते, इसीलिए तो आप हत्या करते हैं, जिस चीज के लिए आप ईर्ष्या करते हैं और वो आपको नहीं मिल पाती, इसीलिए तो आप झगड़ते हैं और लड़ते हैं, आप प्रार्थना नहीं करते, इसीलिए आपके पास कुछ नहीं है, आप प्रार्थना नहीं करते और इसीलिए आपके पास कुछ नहीं है। और अंत में प्रभु के उन सुंदर वचनों को याद कीजिए, प्रभु के सुंदर वचनों को याद कीजिए, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सब पूजे ईश्वर।